हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं स्कूल नहीं गई हूँ, और वो कारण है मेरी मम्मी, पता नहीं उनको क्या हो गया है। आपको पता हो तो आप बताना कमेंट बॉक्स में। और मेरे घर में तो ऐसा माहौल हो गया जैसे कि मातम ही छा गया है। ना ही बर्तन धुलाए, ना ही कपड़े धुलाए, कुछ भी काम ही नहीं हुआ अभी तक तो। और मैं आज स्कूल भी नहीं गई मम्मा की वजह से। पता नहीं मम्मी को क्या हो गया है, आप लोगों को पता हो तो आप लोग बताना। और उनको थोड़ा दिमाग दे दो, बहुत ज़्यादा उदास हैं वो। मुझे लग भी नहीं रहा कि वो वीडियो बना पाएंगी कि नहीं। अब उनको मैं खाना खाने का बोलूँ तो मना है उनका तो। और सारा काम अभी बिखरा हुआ है, जैसे तैसे करके तो मैंने खाना बना लिया। अब मैं स्कूल कैसे, मतलब जाके अब खाना का बोलती हूँ उनसे। चाय भी पिला देती हूँ। हम शांति से जाएंगे, ज़्यादा तेजी से नहीं। पता नहीं क्या हुआ, जो इंसान 6 बजे उठता है वो आज 12 बजे उठ रहा है। हम इस रूम में तो आ गए, चलो मम्मी को उठाते हैं, क्या बोलती हैं सुनते हैं। मम्मी उठो, चाय पी लो। मैं बाद में पी लूंगी, रहने दो। क्यों, खाना खाओगे? नहीं, उठ जाओ, 12 बज गए हैं। तुम तो 6 बजे उठ जाती हो। उठ जाऊंगी। कितने बजे तक? कितने बज जाएंगे? और लोगों की बात क्यों सुनती हो? मुझे तो कुछ नहीं पता कि क्या क्या बात हुई है, अब आप लोग ही बता सकते हैं। इनको थोड़ा दिमाग दे दीजिए कि लोगों की बात ना सुने। हाय गाइस, मैं आप लोगों से ये बताना चाहती हूँ कि वो जो भी है, पता नहीं बड़ा जानवर है छोटा जानवर हो, कुछ भी है जो भी है, क्योंकि मुझे ना बहुत मुझे हंसी भी आती है और गुस्सा भी बहुत ज़ोर की आती है। पता नहीं उसकी वजह से मेरे घर वाले भी चिल्ला रही है, बेचारा मुझसे परेशान करके रख दिए। मेरे घर वाले भी बहुत हमको चिल्ला रहे हैं, लो ऐसा वैसा वैसा बोल रहे हैं। इसलिए ना दोस्तों, आज ना मेरा मूड ख़राब है। आज मुझे एक मन नहीं कर रहा है कि मैं जगू, देख सकते हैं आप लोग के कली वाले मैं कपड़ा पहनी हूँ, अभी तक मैंने ब्रश भी नहीं किया है और चाय भी नहीं पिया है, कहीं भी काम नहीं करा है, क्योंकि मेरा मूड ख़राब हो गया है। क्योंकि क्या है यार, अपने लोग समझते नहीं यार फीलिंग और कि कैसे क्या है नहीं है। तो देखिए, ये चाय ला के रखी है, तो मेरी आदत है कि मैं चाय पीती हूँ, इसके बाद ही कोई काम करती हूँ। मेरा दिमाग सोचता है, मुझे मैं सोचने पर मजबूर हो गई हूँ दोस्तों कि मैं करूँ तो क्या, करूँ नहीं करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। आज 12 बज चुकी है, ये मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा कि मैं क्या करूँ यार, नहीं करूँ क्या करूँ, क्योंकि कब तक आदमी सुनेगा यार, कब तक सुनेगा सोचेगा। वो तो बेचारा साइड हो गया, बस थोड़ी सा वो करके उंगली करके झगड़ा लगा के साइड हो गया। बस पर हमारा घर में अब चालू हो गया झगड़ा मातम, क्योंकि वो जो भी इंसान था उसका कोई फोन नहीं आया, मैसेज नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, लेकिन वो क्या किया, घर में झगड़ा करवा दिया। उसकी नाम पे हमने वीडियो डाला, उसकी वजह से मेरा आदमी बम जैसा भड़क उठा मेरे पे। तुमको पहले ही मना किया था, मत वीडियो बनाओ, ना ये करो ना वो करो, तुम अपनी सुनती कहाँ हो, हमारी चलने कहाँ देती हो, मन की मनमानी करते हो। एक बात की दादा हो दादा, 17 बात बना दिया मेरे घर वालों ने। मैं तो थक गई, परेशान हो गई, मैं करूँ तो क्या करूँ यार, भगवान मुझे सद्बुद्धि दो ना कि मैं क्या करूँ, मुझे कुछ तो बताओ। तो दोस्तों, मैं भाई इतनी परेशान हूँ, मैं क्या बताऊँ यार आप लोगों से, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम चाय पीते हैं और आप लोग हमें बताइए यार, इतने मेरे अच्छे अच्छे दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, आप लोग बता क्यों नहीं पा रहे कि मैं करूँ तो क्या करूँ। आप लोग रियली में हमें बताइए और रास्ता दिखाइए कि हम करें ना क्या है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ यार कि मैं छोड़ूं, क्योंकि मेरी पूरी 1-1.5 साल बर्बाद हो जाएगी, मेरी सपनों पर पानी फिर जाएगी और मैं ना परेशान हो चुकी हूँ। तो आप लोग हमें जरूर रास्ता दिखाइए, बताइए इस कमेंट बॉक्स में कि हम क्या करें। आपकी भैया की बात सुनी कि लोगों की बात सुनी कि अपनी खुशियों के मैं कुर्बान कर दूँ। और मैं अब चाय पीऊँगी और चाय पीने के बाद मेरी दिमाग क्या कहेगी क्या नहीं करेगी, इसके बाद दोस्तों आप लोग जरूर बताइएगा, हमें हेल्प कीजिएगा, क्योंकि आप सभी को मुझे हेल्प की बहुत ज़रूरत है मेरे दोस्त।
कि मैं क्या करूं नहीं करूं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था। आप लोग मुझे हमें सपोर्ट कीजिए और हमें बताइए कि मुझे क्या करना है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूं कि मेरी खुशियां बर्बाद हो जाए ऐसे। तो दोस्तों हम चाय पीते हैं, आप लोग भी पी लीजिएगा, और यहीं वीडियो एंड करते हैं और मैं अब चलती हूँ, दूसरी काम कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से हम मिलती हूँ दूसरी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी, राधे राधे। और आप लोग खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे और हमारी हिम्मत और हौसला बढ़ाते रहे, आप लोग से यही रिक्वेस्ट है मेरे दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय।